जय मा सरला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पाराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझ आस्ट्रोफैन डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। आज आप एक टॉपिक नहीं कि आसी जो टॉपिक दक्षिणावर्ती शंखर पूजन आम केमी करवा बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छी आपन को निवेदन करी शेष पर्यटन देखो मझे स्किप करूँ। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ, जहाद्वारा कि जितेबाला मुझे चैनल में जोकोसी टॉपिक अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपके पहुंची पार। वीडियो को लाइक करेंगे, आपण मन में जब किसी क्वेश्चन थाए, किसी डाउट थाए टॉपिक को नहीं, तो मत निश्चय लिखे। जदि किसी नुआ टॉपिक आपड़ जानापी चाहती मत कमेंट बॉक्स में लिखे। आपन को अनुरोध करी प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे समस्त पाखे पहुंचे। दर्शक बंधु आउ डेरी करानी, आसतु आरंभ करवा आज अध्याय। दर्शक बंधु प्राचीन कालरु एजावत पूजा कर्म मांगलिक कार्य शंखर महत्व रही आग को शंखर गुण एवं प्रभावशीलता को विचार को नेले प्रत्येक पूजा पाठ ओषा व्रत मांगलिक कार्य शंख पूजनर व्यवस्था रही। शंख शब्द को व्युत्पत्ति कले शनती जनयती शंख, अर्थात जी कल्याण को प्रदान करे एवं अशुभत्व को दूर करे बा अलक्ष्मी को दूर करे सी होची शंख। शंखर उत्पत्ति केमिति हला? शंखर उत्पत्ति समुद्र मंथन रु जो 14 महारत्न आविर्भूत होता से 14 महारत्न मध्य शंख अन्यतम। आपणकर शास्त्र कहते लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गाव काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगरा अश्व सप्त मुखो विषम हरिधनु शंखो मृत चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्जेत सदा मंगलम। ये जो चतुर्दश रत्न बा 14 रत्न सब समुद्र मंथन समय रे बाहरी थिला सेथि मध्यरु शंख होची अन्यतम। तेणु शंख समुद्र रु जात होइतिला, माता लक्ष्मी मध्य समुद्र कन्या, तेणु शंख को माता लक्ष्मीकर भाई बोली शास्त्र प्रमाण दियंती। शंख होचंति लक्ष्मीकर सहोदर एवं शंख मध्य भगवान श्री विष्णुंकर अति प्रिय। आज मध्य मांगलिक कार्य पूजा अर्चन आरती समय शंखध्वनि करा जाए। शंखर ध्वनि शुणा द्वारा मन भितर शांति एवं पवित्रता जाग्रत होता है। शंखर ध्वनि जो पर्यंत प्रभाव रखिब से पर्यंत कौनसी नकारात्मक शक्ति रुहे नहीं बा शंखर ध्वनि जो पर्यंत शुणाजीव से पर्यंत नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाए। शंख साधारणत तो दुई प्रकार देखा जाती, वामावर्ती शंख अन्यटी दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को आम साधारणत तो पूजा शंख कही था, विष्णु शंख कही था, लक्ष्मी शंख कहुए, जमन शंख कहुए। एवं आसतु जाणी घरे आम दक्षिणावर्ती शंख रखी केमी आम दैनिक पूजा करवा। दर्शक बंधु जदि आपण घरे दक्षिणावर्ती शंख ना, तो निश्चित आपण गोटे छोट दक्षिणावर्ती शंख घरे रखु एवं दैनिक पूजा करूँ। जदि आपण घरे दक्षिणावर्ती शंख अच्छी तालोले आपण केमी पूजा करेंगे ए बाबद्रे शास्त्र कौन रही प्रमाण। दर्शक बंधु पूजा घरे निहाती आम दक्षिणावर्ती शंख रखा। शंख को नहीं आचार प्रकाश ग्रंथ सुंदर भाव कहते गृहे लिंग द्वयम नार्च्य गणेश तृतय तथा शंख द्वयम तथा सूर्य नार्च्य शक्ति त्रयम तथा। शास्त्र कहले कि पूजा घरे एका भली दुईट शंख रखा अनुचित। आपण जदि दुईट शंख रखिबे, गोटे पूजा शंख रखिबे बा पानी शंख रखिबे, आउ गोटे आपण बजेबा शंख रखिबे, किंतु एका भली दुईट शंख जमी दुईट पानी शंख हो किंबा दुईट बजेबा शंख आपण कदापि घरे रखंतु नहीं, यह होची आपणक अमंगलर संकेत। जेतेबेले आमे घरे शंख स्थापन करिबा मन रखिबा दरकार कि शंख को आम तले रखिबा नहीं। शंख शंख पई कौनसी आसन बा त्रिपादी गोटे निहाती दरकार पड़िबो। शंख को आम तले रखिबा अनुचित अटे। शंख को आम काहीकि पूजा करिबा? आपणकर गरुड़ पुराण सुंदर भाव कहते शंखा दौ चंद्र दैवत्यम
कुखु वरुण देवता पृष्ठे प्रजापति शैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य जानी तीर्थानि वासुदेवस्य चंगया शंख तिष्ठति विपेन्द्र तस्मत् शंख प्रपूजयेत। आमे सेइति पई शंख को पूजा करिबा कारण शंखा दउ चंद्र दैवत्यम शंखंकर मूल प्रदेश रे चंद्रमांकर बासस्थान कुखु बा शंखर पेटरे वरुण देवता शंखर पृष्ठ भाग रे ब्रह्मा शंखंकर अग्र भाग रे गंगा एवं सरस्वतींकर बासस्थान तेणु आमे शंखंकु पूजा करिबा निहाति दरकार। शंख रखिबा पूर्वरु आमको ध्यान देबाकु पड़िबो कि शंखर मूल भाग आम आड़कु रहिबो एवं शंखर अग्र भाग देवतांक आड़कु रहिबो बा ठाकुरंक आड़कु रहिबो। प्रतिदिन शंख पूजा करिबा पई हेले प्रथमे शंखकु रखिया पई जे आसन आमे रखिथिबा से आसन रे प्रथमे टिके चंदन सिंदूर आमे फूल अर्पण करिबा एवं ता उपरे शंख को स्थापन करिबा। जतबळे आमे शंख स्थापन कले शंख रे टिके चंदन सिंदूर लागी करिबा एवं शंख मध्य रे गोटे पात्र रे जल आनी शंख मध्य रे जल भरिबा। किंतु मन रखंतु जदि आपण कोनोसी पात्र रे जल रखी शंख को से जल रे बुडई आपण पानी आणंती ताले से जल मारा हो जाए था कहीं शास्त्र कहते शंखर पृष्ठभाग अशौच स्थान अटे। तेणु शंखर पृष्ठ जितेबले पानी रे लागिला से पानी आपणकर अशौच हो गला ताहा देवोपयोगी हेला नाही। तेणु आपण जितेबले शंखरे पानी भरिबे शंख को त्रिपदी उपरे रखिबे अलगा एक पात्र रे पानी आनी से शंख मध्य रे आपण पानी भरिबे। पानी भरी सारिला परे शंख भितरे गोटे दुब गोटे तुलसी निश्चित आपण रखिबे। मने रखतु शंख जतबळे आपण पूजन करिबे शंखंकु अक्षत द्वारा पूजन करा जाय नाही। शंख पूजा रे चाउलर प्रयोजन न थाए तेणु आपण केबे भी शंखकु अक्षत दे पूजा करिबे नाही। शंख भितरे गोटे तुलसी गोटे दुर्बा आपण स्थापन करिबे एवं शुद्ध गाई घिअर दीप गोटे प्रज्वलन करि आपण शंखंकु बदापना करिबे। एते सब कार्य करिबा भितरे आपण ओम शंखाय नमः ओम शंखाय नमः जदि आपणको किछि मंत्र जणा नाही एही मंत्रको आपण उच्चारण करि शंख पूजन करिबे। तापरे आपण शंखंकर गायत्री निश्चित जप करिबे। शंखकर गायत्री मन रखंतु ओम पंचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। यही शंखंकर गायत्री मंत्र को आपण पूजा आरंभरु शेष पर्यंत जप करिबे। वर्तमान आपणक मनरे प्रश्न आसीथिबो आमे जो शंख रखिबा से को पटे रखिबा भगवानंकर बा पटे रखिबा ना डाहाण पटे रखिबा। शास्त्र कहंती शंख मद्भिपुरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे ठाकुरंकर दक्षिण भागरे डाहाण पटे शंख स्थापन करिबे। एबे आपणक मनरे आउ गोटे क्वेश्चन आसीथिबो कि आमे शंख मध्यरे जो जल स्थापन करिथिले बा जो जल रखिथिले से जलर आवश्यकता कौन अच्छे से जल को आमे कौन करिबा। ता पर दिन जेतेबेले आमे शंख पूजा करिबा से जल को बाहर कर दबा फोपाड़ी दबा ना कौन करिबा। बहुत बढ़िया कथा शास्त्र रे कहा जाइछि। शास्त्र कहंती शंख मध्य स्थित तोयम भ्रामितम केशवोपरि अंगम लग्न मनुष्याणाम ब्रह्महत्या व्यपोहित। शंख मध्यरे जो जल आपण रखिथिबे शंख पूजा करि सारिबा परे भगवान श्री विष्णुंकर मस्तक चारिपटे शालग्रामंक चारिपटे भगवान श्री कृष्णंकर चारिपटे जगन्नाथंकर चारिपटे से शंखर जल को एमती बुलेई आनी आपण स्थापन करदेबे एवं ता पर दिन आपण जेतेबेले शंख पूजा करिबे से जल को अलगा गोटे पात्र रे आपण बाहर करदेबे। आपण टिके आचमन करिबे से शंखर जल को टिके घरर समस्त सदस्यों उपर टिके छिंचिदेवे निजे मध्य टिके छिंचिदेवे। से शंखर जल को चरणामृत मन करी घरर समस्त सदस्य ताकु पान करिवे कारण शंख मध्य जल भगवान विष्णु को समर्पण कर सारिबा परे से जल को जदि आमे आचमन करूचे बा सेवन करूचे ब्रह्महत्या भली पाप दूर होई थाए। तेणु आपण से शंखर जल को फोपाड़ी न दे आपण समस्ते घरर समस्त सदस्य चरणामृत मन करी पान करिबा उचित। दर्शक बंधु ये थिला सम्यक भावरे आमे केमिति आम घरे शंख प्रतिष्ठा करी पूजन करिबा। आशा करिबी आजर टॉपिक आपन को भलो लागिथिबो। जदि आपन को भलो लागिथाय
ताहले वीडियो को आपण लाइक करिवे आपण को मन रे यदि किछ क्वेश्चन थाए मते कमेंट रे लिखिवे नुवा टॉपिक आपण जानिबा को चाहुतले ता मध्ये कमेंट रे लिखिवे आपण को अनुरोध करबी प्लीज आपण माने वीडियो को शेयर करिवे समस्तक पाखरे पहुंचेबे। दर्शक बंधु पुणी आसीबी आगामी अध्याय रे आउ एक टॉपिक नै से परंत आपण माने भलर थांतु खुशी रे थांतु मते विदाई दंत रहली। जय मा सरला, जय गुरुदेव।